वेलकम स्टूडेंट्स, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स के ऊपर कुछ सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर पहले हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एंड किंग, रेड और किंग जैसे क्वेश्चन। एंड और में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप पूरी वीडियो देखें और एंड में आपको एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा जो आपको 110% आपको समझा देगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एंड और का क्या होता है। वैसे हमने एंड और के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है कि एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है, बट आई नो लेजी स्टूडेंट्स हैं, आप क्लिक करके देखेंगे भी नहीं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन सी वीडियो कहां पर है। तो मैं एंड और से स्टार्ट करूंगा आज की वीडियो कि एंड का मतलब क्या है और का मतलब क्या है। ये हमने लास्ट वीडियो में चार्ट बनाना सीखा था, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पर चलेंगे। सो आइए चलते हैं एंड और का मतलब समझ लेते हैं जल्दी से। एंड का मतलब हो गया रियल लाइफ एग्जांपल में, सपोज पर एक स्टूडेंट है जो मम्मी के सामने बड़ा ही जिद्दी किस्म का स्टूडेंट है, बहुत ही जिद्दी। आप में से कुछ होंगे जिद्दी जिनको एक पर्टिकुलर चीज़ पसंद होती है। मम्मी को कहता है कि मुझे एक ऐसी आइसक्रीम चाहिए वो चॉकलेट और वनीला से बनी हो मिक्स, उसका तो चॉकलेट चिप आइसक्रीम जो होती है मुझे वो चाहिए। तो उसका जो कहने का मतलब है वो कह रहा है मुझे चॉकलेट भी चाहिए एंड वनीला भी चाहिए। तो मम्मी गई मार्केट में, मम्मी लेकर आ गई सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम, क्या वो खुश होगा? नहीं होगा, बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत ही क्लियर है, मुझे चॉकलेट एंड वनीला दोनों चाहिए। मम्मी नेक्स्ट टाइम गई वनीला लेकर आ गई, तब भी खुश नहीं होगा क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही क्लियर है एंड की। एंड का मतलब होता है कॉमन, ओनली। एंड का मतलब होता है कॉमन ओनली। वो कह रहा है मुझे दोनों चाहिए, दोनों का मिक्सचर चाहिए। अब वही एक दूसरा स्टूडेंट है, बड़ा प्यारा सा स्टूडेंट है, मम्मी को कह रहा है चॉकलेट और वनीला दे दो, चॉकलेट और वनीला। तो वहां पर मम्मी को सुकून है, मम्मी कह रही है कि मैं चॉकलेट ले आऊँ तब भी बच्चा खुश, वनीला ले आऊँ तब भी खुश, और चॉकलेट और वनीला का मिक्सचर ले आऊँ तो बहुत ही ज्यादा खुश। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन में खुश है। ये कह रहा है मैं चॉकलेट दे दो तब भी खुश हूँ, वनीला दे दो तब भी खुश हूँ, और कॉमन दे दो तब भी खुश हूँ। तो ये होता है कॉमन प्लस रेस। अब इसको मैथमेटिकल वे में समझ लेते हैं जल्दी से कि मैथमेटिकल वे में इसका मतलब क्या है। ये तो हमारा हो गया रियल लाइफ एग्जाम्पल, कभी भी भूल जाओ ये सोचना एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है। ये सेम कॉन्सेप्ट 11th में भी आएगा, जब इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब भी सेम होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए है ना, तो ए एंड, और इसी का उल्टा हो गया यूनियन यू। ये इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, लो चलो 11th क्लास की भी पढ़ाई साथ में। तो इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एंड और का मतलब समझ में आ गया होगा। जल्दी से मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन पर चले जाते हैं। इसको करना कैसे है, एक वेन डायग्राम के तरीके से शॉर्टकट तरीका है। मैं भी जब 10th में था तो एंड और में बड़ी दिक्कत आती, समझ नहीं आता था कि किसको लेना है कब लेना है। आइए चलते हैं देखते हैं। तो इस तरीके से दो बॉक्स बना लो, सर्कल बना लो। तो पहले वाला जो सेट है, सपोज करो हमने जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है किंग एंड रेड कार्ड, किंग एंड रेड कार्ड। तो एक तरफ हम किंग का डालेंगे और एक तरफ हम रेड कार्ड का डालेंगे, क्लियर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं चार, किंग होते हैं चार पूरे डेक ऑफ कार्ड में, और रेड कार्ड कितने होते हैं 26। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा तो पिछले वीडियो में हमने किस तरीके से टेबल बनाया जाता है वो आप देख सकते हैं, उसको आराम से बैठ के देखें। अब हमने क्या बोला, एंड का कॉमन, हमें देखना है ऐसे कितने किंग हैं जो रेड कलर के हैं। आप ध्यान से देखो उसके अंदर ब्लैक और रेड में
कन्वर्ट हो रहा है रेड में, कितने आ रहे हैं, दो बार आ रहा है, दो सूट्स आ रहे हैं, तो ऐसे दो हैं, दो ब्लैक हैं, दो रेड हैं, क्लियर। तो ये तो यहाँ चले जाएंगे, रेड वाले दो यहाँ आ जाएंगे, तो ये हो गया कॉमन। अब बाकी कितने बचे, दो यहाँ बचे और 24 यहाँ बचे, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे कॉमन, दो और 24 अलग, तो ये तो हो गए कॉमन। हमें क्या चाहिए, रेड एंड किंग, तो हमें तो सिर्फ कॉमन वाला पार्ट चाहिए, तो रेड एंड किंग का जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो हो गया 2/32, इतना सिंपल, खत्म क्वेश्चन रेड एंड किंग का। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और किंग, देखो रेड एंड किंग बोलो या किंग एंड रेड बोलो, बात एक ही। और अभी मैंने आपको समझाया और होता है कॉमन प्लस रेस्ट, तो सबसे पहले बताओ कॉमन कितने, यहाँ देखो दो, अब रेस्ट कितने, यहाँ पे कितने आए, दो, और यहाँ पे कितने आए, 24, टोटल कितने हो गए, 28, प्रोबेबिलिटी हो गई 28/52, रिड्यूस कर लेना आंसर आ जाएगा, रिड्यूस करना जरूरी है, मार्क्स कट जाएंगे वरना। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा जो पेपर में एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और वो बहुत मुश्किल लगता है, जहाँ पे नीदर नॉर का क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे बहुत टफ हो जाती है चीज़ें। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है नीदर हार्ट नॉर अकिंग, नीदर हार्ट नॉर अकिंग, तो ना ही उसको हार्ट चाहिए ना ही उसको किंग, तो बाकी वो काउंट कर लो ना, दिक्कत क्या है, हार्ट कितने होते हैं, हार्ट कितने होते हैं टेबल में लिख के बताओ जल्दी से, 13 होते हैं। और अभी भी हमने बोला किंग कितने होते हैं, 4। अब रुको, आंसर देने से पहले एक चीज सोचो, ऐसे कितने किंग हैं जो हार्ट के कॉलम में आते हैं, तो ऐसा एक किंग है जो हार्ट में आता है, तो बाकी बचे हुए 3 हैं, तो ये भी बढ़ जाएगा, ये 3 हो गया, ये 1 और 1/12, तो हमारा जो टोटल हो गया वो कितना हो गया, 12 + 4, 16 कार्ड हमें नहीं चाहिए, वी डोंट नीड, उसमें बोला हार्ट नहीं चाहिए किंग नहीं चाहिए, तो ऐसे 16 कार्ड जो हार्ट हैं और किंग हैं, और तो बाकी कितने बचे, 52 - 16 कर दो, कितना आएगा, 6 + 4 = 3, 36, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 36/52, रिड्यूस कर देना आंसर आ जाएगा। ये आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, वो 53 संडे मंडे लीप ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर करेंगे, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।